तल्हा व्लॉग्स एंड किचन की तरफ से सलाम और आदाब। आज मेरे घर पे दावत है। आज मेरे ननन के बेटे को की शादी हुई थी, उनको मैं जुमागी दे रही थी घर पे, तो उसी खुशी में हमने घर में पकवान रखा है। तो हम पहले रेसिपी हम शुरू करेंगे। पहले क्या है, ये कढ़ी टिक्का फ्राई चिकन बना रही हूँ। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, 200 ग्राम दही ली हूँ, उसके अंदर मैं हरी मिर्ची का पेस्ट मिलाऊँगी एक चम्मच, और 2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर मिलाऊँगी, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे उसमें, थोड़ा अदरक लहसुन डालेंगे, उसमें मलाई डालेंगे हम थोड़ी, और क्रीम डालेंगे, नमक डालेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे। मैं सारे मसाले मिक्स कर ली हूँ। अब इसके अंदर मैं चिकन को ये डुबाऊंगी इसमें, ऐसे बड़े बड़े पीसेस ली हूँ। पूरा चिकन मैं ऐसा लगाऊंगी। एक दिन पहले मैं डे नाइट लगा रहे हैं ये, क्योंकि रात में मैं फ्रिज में रखूंगी इसको, दूसरे दिन जब हमारा पकवान होगा तो जब मैं इसको तलूंगी। मैं पूरे चिकन को लगाती हूँ पूरा मसाला। अब मैं इसको मैं सुबह तक इसको फ्रिज में रखूंगी। ये फिश मंदी है, तो मैं फिश तलने के लिए जो मसाला मिला रही हूँ वो रेडी कर रही हूँ। पहले हम नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून, थोड़ा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून, हरी मिर्ची पीसी हुई डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। इसमें मैं फिश मसाला डालूंगी, मैं थोड़ा इस्तेमाल करके रखी थी, बाकी के वो भी डाल दूँगी क्योंकि मेरी मच्छी ज़्यादा है। थोड़ा तेल डालूँगी, तीन टीस्पून में मैदा डालूँगी, 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालूँगी। हम जो क्वांटिटी से जो मैदा डाले वही क्वांटिटी हम ये कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे। मैं नींबू का रस डालूंगी इसमें थोड़ा सा, 1 बड़ा नींबू का रस है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। मच्छी ली थी फिश, उसके ऐसे बड़े बड़े पीसेस हैं। अब मैं इस मसाले के अंदर डाल के मसाला लगाऊंगी। ब्रेड क्रम्स कर बनाई हूँ मैं घर में, उसके अंदर मैं 3 चमचे चाय के चमचे से मैदा डाल लेती हूँ। दोनों को मिक्स कर ली हूँ मैं। मैं सारे पीसों को ऐसे ही लगा के रखूँगी। पूरी मच्छी को मैं मसाला लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स लगा के ऐसे डब्बे में मैं पूरा ऐसे डाल के रखी हूँ। डे नाइट है, उसके साथ मैं ये थोड़ी ये मच्छी भी चल रही थी, उसके साथ ये भी थोड़ी है, 2 मच्छी हैं। अब हम चलते हैं आगे की रेसिपी की तरफ। हम थर्ड वाले रेसिपी की तरफ आए हुए हैं। मैं ये नवाबी चिकन बना रही थी। मैंने 2 किलो चिकन ली हूँ, ग्रेवी का रहेगा सालन। मैं नमक डालूंगी 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट डालूंगी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर डालूंगी होममेड। इसी के अंदर मैं जीरा डाल के पीसी हूँ, 2 टीस्पून डालूंगी,
एक नींबू का रस डालूंगी, 1 किलो दही डालूंगी, मैं थोड़ी सी मलाई डालूंगी इसमें। मैं इसको मिक्स करके इसको भी डे नाइट रख दूंगी। चिकन को पूरा ग्रेवी लगा दी हूँ मैं, पूरा रेडी है ये। अब मैं इसको डे नाइट इसको भी उसी के साथ रख दूँगा। मैं सेवियों का मीठा बना रही थी तो मैं 1 किलो सेवियाँ ली। इसको मैं घी में पूरा तल ली हूँ, पूरा तल के रखी हूँ। अब मैं मीठा बघार रही हूँ। घी गर्म हो चुका है हमारा, इसी में मैं इलायची पाउडर डालूँगी। एक किलो सेविंग थी मेरे, आधे किलो के करीब शक्कर डाल रही हूँ। उसी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, हम शक्कर को घुलाएंगे। हमारी शक्कर घुल चुकी है, अब मैं उसके अंदर दूध मिलाऊंगी। उसी के अंदर मैं खोवा भी मिलाऊंगी। 1 किलो खोवा ली थी मैं। मलाई भी डालूंगी थोड़ी सी। हम जो खोवा को डाले थे सब घुल चुका है, मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं पूरा साथ एक साथ हो गया है। उसी में ये भुनी हुई सेवी डालूंगी मैं। वो हमारा मीठा पूरा पक चुका है। मैं सेवियां डाली थी पूरे, वो भी नरम हो चुके हैं। मैं इसको चूल्हा बंद करके ठंडे के लिए रख दूँगी। तो बना रही थी तरकारी, चिकन उबलेवा सब डाल दे के, उसकी चिकन की भी अखनी डाल के मैं उबाल ली हूँ। अब उसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। उसी के साथ मैं नमक भी डाली थी, थोड़ी काली मिर्ची डालूँगी 1 टीस्पून। मैं कॉर्नफ्लोर डाली थी वो पक चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 अंडे ली थी, इसको फेंट ली हूँ। हम गोल फिरा के इसको सजा लेंगे। हम इसी के अंदर ये सोया सॉस भी डालेंगे थोड़ा सा। हमारा सूप पक रहा है, मैं डिश आउट करके बताती हूँ। इनका सालन बना रही थी तो उसके लिए मैं प्याज कर लूँगी, थोड़ी सी नरम करूँगी। हमारी प्याज नरम हो चुकी है, इसी में मैं काजू और बादाम डालूंगी। डाल के इसको भी प्याज के साथ भून के इसका फैन पेस्ट बना लूंगी। मैं चिकन का सालन बगा रही हूँ, मैं तेल डाल चुकी हूँ उसमें। थोड़ा डालूंगी, थोड़ा बटर डालूंगी मैं थोड़ा सा इसमें। तेल गरम हो चुका है, मैं प्याज के अंदर काजू वो डाल के पीसी थी वो इसी में शामिल कर दूंगी पूरा। हमारी प्याज भून चुकी है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसी में मैं टमाटर का प्यूरी बनाई थी, बड़े टमाटर लेके मैं 2 की बनाई थी, वो इसी में शामिल कर दूंगी। हम ये दोनों को अच्छी तरीके से भूनेंगे तेल सेपरेट होने तक। हमारा मसाला पूरा पक चुका है और तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं जो डे नाइट मैं मसाला लगा के रखी थी चिकन को, वो चिकन पूरा इसमें मैं डालूंगी। इसमें तो पूरा मैं मिर्ची नमक मिलाई थी, अब हम आगे चख के डालेंगे। अब मैं चिकन पूरा डाली हूँ इसमें और पूरा मिक्स भी कर दी हूँ मैं। अब इसको पूरा मसाला पूरा पकने के बाद, तेल छूटने के बाद बताती हूँ। ये बघार रही थी, इसमें तेल और घी डाली हूँ मैं, 2 किलो चावल ली हूँ मैं। तो हमारी प्याज हम लाल करना नहीं है हमको, तो थोड़ा सा नरम हो चुकी है। इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी, हम टमाटर नरम करेंगे पहले। टमाटर नरम हो चुके हैं, अब इसके अंदर मैं नमक डाली थी टमाटर गलने के लिए। अब इसके अंदर थोड़े से हम आइटम डालेंगे, अब वो डालेंगे हम थोड़ा सा, थोड़ी सौंफ डालेंगे हम। इसके
इसके अंदर हम मैगी क्यूब्स डालेंगे। पाँच मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे। दल्ला साबित डाल रही हूँ और ये अदरक का डाल रही हूँ। अच्छी खुशबू आती है इससे। और हम चार हरी मिर्चियाँ डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे पीसी हुई। हम इसको पूरा मिक्स करेंगे। हमारे तरीके से एक मरतबा आप लोग फिश मंगी बना के देखिए, आप लोगों को भी पसंद आएंगी। मेरे स्टाइल से बना के देखिए आप। मैं इसके अंदर अब ये मंदी का ये सूप बना के रखी थी मैं, पूरे ये तरकारी वरकारी सब डाल देके अब उसी के अंदर मैं छान के डाल दूँ। मैं मलाई टिक्का चिकन बना रही थी, उसके लिए मैं क्या करूँगी, स्टीम दूँगी पहले। अब मैं अंदर छन्नी रखी हूँ और पानी भी डाल चुकी हूँ। अब मेरी छन्नी थोड़ी बड़ी है, इसमें नियारी थी तो मैं भगोने में ये चिकन पूरा डाल रही हूँ। मैं दो सीटी दूंगी, उसके बाद मैं आपको भी बताती हूँ। मच्छी को मसाला लगा के रखे थे, वो तल रही थी मैं। हमारे दोनों तरफ से मच्छी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ी इसके ऊपर काली मिर्ची छिड़कूंगी। पूरी मच्छी तल के बताती हूँ। हमारा टिक्का चिकन जो है वो पूरा अच्छा सा हो चुका है, ये चिकन भी भुन चुका है, हो चुका है, दो तरफ से भी हो गया है, चिकन हो चुका है ये भी। अब मैं पूरा ऐसे ही पूरा चिकन भूनूंगी। हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर नींबू का रस डाल रही थी और इसके अंदर क्रीम डालूंगी। अब मैं डिश आउट करके बताती हूँ। हमारे मंदी का आधा पकड़ा है, मैं चावल डाल रही थी। मंदी पक चुकी है, मैं दम भी दे चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं कलर अच्छा आया है। मैं थोड़ा सा हटके बनाई हूँ ये मंदी थोड़ी, मगर बहुत पसंद आई सब घर वालों को, आए सब मेहमानों को भी बहुत पसंद आई। आप लोग एक दफ़ा ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्यूवर्स मेरे। और नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पकवान को भी एक दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ मेरे पकवान को, आप लोग भी किसी और को भी शेयर करिए और हमारे भी हेल्प कीजिए। आप लोगों की मदद के बगैर हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। आप बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, हमारी हेल्प कीजिए। जज़ाकल्लाह।